क्षेत्र अंतर्गत बीरसिंहपुर सतना मार्ग स्थित सितावा नदी के पास मोटरसाइकिल सवार को ट्रक चालक द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल सवार की घटना स्थल पर ही दुखद मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों सहित ग्रामीणों द्वारा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया, जिसके चलते लगभग 3 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। बीरसिंहपुर स्थित वार्ड क्रमांक 2 निवासी मनीष साकेत पिता भोला साकेत अपने मामा के घर पर रहता था। सोमवार को किसी कारणवश जा रहा था, तभी बीरसिंहपुर सतना मार्ग स्थित सितावा नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक द्वारा मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मार दी गई, जिसके चलते मनीष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों सहित ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया, जिसके कारण 3 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मान मनोबल के बाद भी चक्का जाम कर रहे लोगों पर कोई असर पड़ता ना देख थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई, साथ ही चक्का जाम कर रहे लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की बात कहने के बाद चक्का जाम कर रहे लोगों द्वारा सड़क से जाम खत्म किया गया। एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन द्वारा मामले पर जानकारी देते हुए बताया गया कि ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक मनीष साकेत ग्राम पनगरा तहसील नागौद जिला सतना का मूल निवासी था। पहले यहाँ खत्म हो गया ना, बीरसिंहपुर में एक घटना हुई चक्का जाम की, उस समय जी बिल्कुल आज सुबह एक घटना थाना बीरसिंहपुर अंतर्गत प्रकाश में आई थी, जिसमें जो है एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को जो है ट्रक चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे जो है मौके पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके जो है इससे आक्रोशित होकर उसके परिजनों द्वारा मोटर सतना मार्ग पर जाम लगाया गया था। जाम की स्थिति को देखते हुए तत्काल जो है पुलिस बल को थाना सभापुर से निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही अन्य थानों से पुलिस बल बुला करके जो है परिजनों को समझाइश दी गई है। मामले में जो है ट्रक को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है।